अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज 2024 के लिए जो हज वीज़ा पर आए हैं, चाहे हज कमेटी हो चाहे प्राइवेट टूर, उनको बहुत मुबारकबाद और ख़ासकर उनके लिए दुआ जो टूरिस्ट वीज़ा पर आ गए। 3 लाख का पैकेज था, लेकिन लालची टूर ऑपरेटर ने 5.5-6 लाख मतलब कि टूर के पर आजमीन पर 2-2, 3-3 लाख रुपये कमाने के चक्कर के अंदर टूरिस्ट वीज़ा पर पहुँचा दिया, जो शरीयत के भी खिलाफ है, क्योंकि वो बगैर एहराम के वो लोग अंदर आए। उनको भले दम वो टूर वाला देने की बात कर रहा, लेकिन उनका हज बिगड़ गया। अल्लाह उनके हज की हिफाजत फरमाए। और ख़तरे में इस कदर है कि मक्का शरीफ के अंदर भी गिरफ्तारी हो रही है, तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोगों को पकड़ लिया गया है। जगह जगह पर मक्का शरीफ में चेकिंग हो रही है, मीना, अरफात, मुजदलफा में चेकिंग हो रही है। और ख़तरा ये भी बताया जा रहा है कि जब ये वापस लौटेंगे तो रियाद या जद्दा जो भी फ्लाइट से जाएंगे लोग, वहाँ पर भी चेक किया जाएगा कि आप हज के पहले आपने सऊदी में एंट्री करी थी, हज के बाद वापस जा रहे हैं, इतने दिनों तक आप कहाँ पर रहे, तो उसके अंदर कोई बच नहीं पाएगा। और जो पकड़ में आएगा उसके ऊपर 11 लाख पे हिंदुस्तान की तकरीबन इतने की पेनल्टी होगी। नंबर दूसरी बात, उनके लिए हमेशा के लिए खुरूज की सील लगा दी जाएगी कि वो ज़िंदगी के अंदर कभी उस पासपोर्ट के अंदर एंट्री कर नहीं सकते, और 6 महीने के जेल का भी खतरा है। ऐसे मौके पर आपका टूर ऑपरेटर बन जाएगा, उसका वीडियो बनाकर जरूर रखें ताकि आपको लोग फर्जी बाड़े से बच सकें। अंसाफ अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अंसाफ अंसारी, पारसा, दानीपुरा। इस बार 2024 में अशफाक लोधी साहब के साथ हज पर आया हूँ अल्लाह के करम से। और आज सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने यहाँ देखा कि बाहर दो पुलिस की गाड़ी लग गई, और जिनके पास रसूख कार्ड नहीं है, जो टूरिस्ट वीज़ा पे और उस पर आए हैं मल्टी वीज़ा पे, उनको पकड़ के पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया है। और आप वहाँ से आने के पहले हज वीज़ा का जरूर देखें कि हज का सेशन का वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है। अब लोगों ने 7-7 लाख रुपए ले लिए, और वो पैकेज यहाँ 3-3.5 लाख रुपए में दूसरे लोग ला रहे थे। लेकिन अब जो चूंकि आप इंदौर में रहते हो, कई लोगों के यहाँ मिले, मेरे दोस्तों का फ़ोन आया है, कबरार भाई हैं मदीने में, कि उनकी मदद कैसे करें। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो मैं इंदौर का होने के नाते आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो 7 लाख रुपए आपसे लिए, 3.5 लाख खर्चा किए, तो बाकी की रकम उससे लेना चाहिए। अपन इंदौर में आप लोग अगर इतनी ताकतवर अल्लाह ताला ने आपके रिश्तेदार हैं, तो उनसे पैसे वापस लो ऐसे चोरों से, और नहीं तो मैं इंदौर में हज करके आऊँगा इंशाल्लाह। आपके साथ अगर जो कोशिश हुई तो इनके खिलाफ FIR कराएंगे, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान जो होते हैं हाजी, और उनको लाकर ऐसी झूठ सच कर रहा हो। वहीं आप बता दें कि हज सेशन का वीजे पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये बात वहाँ करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने लोगों को ऐसे बचाएं, और उन लोगों की वीडियो जरूर बना के रखें जिन्होंने आपको पहुँचाया, क्या कागज दिए हैं। और इंदौर में मैं आपकी, क्योंकि सऊदी अरब में ना यहाँ की मैं भाषा जानता हूँ ना यहाँ पे मेरे को रस्ते मालूम है, लेकिन इंदौर आके आपके साथ लड़ाई में शामिल होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ है मम्मू पटेल, अन्नू पटेल साहब के भाई, इस्लाम पटेल। अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम पटेल का साहब भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम, महमूद हसन मुल्तानी, इंदौर। इस्लाम पटेल। मैं खालिद पठान, इंदौर से।